बैक टू माई चैनल। द टॉपिक इज़ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो इसमें हम जो भी हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं, जितनी भी 4/5 जो भी हैं, उसको हम कवर करेंगे बहुत ही शॉर्ट्स में। उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें क्या था, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्टली हम देख लेते हैं कि इंडस्ट्री पॉलिसी क्या होता है, ये क्यों बनाई जाती है। इट कवर्स रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट। तो इसमें सिंपली गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशन प्रोवाइड करती है इंडस्ट्री को, क्योंकि इंडस्ट्री को रेगुलेट किया जा सके एंड कंट्रोल किया जा सके। ओके, कंट्री में जो भी इंडस्ट्रीज है उसको कंट्रोल किया जा सके, उनके रिगार्डिंग रूल्स बनाने, रेगुलेशन प्रिंसिपल जो फॉलो करें, पॉलिसीज प्रोसीजर जो भी सेट किए जाते हैं वो उसमें किसमें इंक्लूड होते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। ओके, तो इट शोज द गवर्नमेंट एटीट्यूड्स नॉट ओनली टुवर्ड्स एक्सटर्नल असिस्टेंस बट ऑल्सो टुवर्ड्स पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो कहते हैं कि ये जो पॉलिसी होती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये गवर्नमेंट का एटीट्यूड शो करती है, ना कि सिर्फ जो है पब्लिक सेक्टर को, दोनों के, एज वेल एज प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को। ओके, तो अब देख लेते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, क्या क्या पर्पज होते हैं। तो मेनटेन सस्टेन ग्रोथ एंड इन प्रोडक्टिविटी। तो सिंपली क्या है कि ग्रोथ बनाए रखना प्रोडक्टिविटी की, एक मेंटेन करके स्टेबल रखना, टू इन्हांस गेनफुल एम्प्लॉयमेंट को इन्हांस करना, अचीव ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो पर्सनल मैनेजमेंट पर्सनल होते हैं हमारे वर्कर एम्प्लॉय लेबर जो भी, उनको प्रॉपर जो है उनका ऑप्टिमाइज यूज़ करना उनको अच्छे से, टू अटेन इंटरनल कम्पिटिटिवनेस, तो इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस को अटेन करना, ये इंडस्ट्री पॉलिसी का एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। टू ट्रांसफर इंडिया इंटू अ मेजर पार्टनर एंड प्लेयर इन अ ग्लोबल एरिया। तो सिंपली इंटरनेशनल ट्रेड जो हमारा होता है इंटरनेशनल लेवल पर, बड़े लेवल पर, ग्लोबल लेवल, पूरे होल ऑफ द वर्ल्ड में, उसको कहते हैं कि जो इंडिया है उसको एक मेजर पार्टनर बनाना है उसका, उसमें उसको वो ताजो उसमें वो ट्रेड करे, अपनी इंडस्ट्री खड़ी कर सके। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी हमारी पॉलिसीज होती हैं इंडस्ट्री पॉलिसी। हमारे पास जो है 6 इंडस्ट्री पॉलिसी है, 6 अभी जो ये वाली चल रही है, और हमारे पास पहले थी इंडस्ट्री पॉलिसी 1948, उसके बाद 56, उसके बाद 73 आई, उसके बाद 77 आई, उसके बाद 1980 एंड 1991 लास्ट हमारी जो न्यू इकोनॉमिक इंडस्ट्री पॉलिसी है। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस हियर। फर्स्ट हमारे पास है द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948। तो ये पॉलिसी है जो 6 अप्रैल 1948 को बनी थी। इसका मेन एम क्या था कि प्रोडक्शन है जो उसको इंक्रीज करना है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन्स ये होता है इसमें कि डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट, जितना जिसको रिक्वायर है चाहिए उतना उसके अकॉर्डिंग उसको देना। ओके, ऐसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो स्टेट मस्ट प्ले अ प्रोग्रेसिव एक्टिव रोल इन दी डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। तो कहते हैं कि ये जो पॉलिसी में जो स्टेट है उसने बहुत ही एक्टिव रोल प्ले किया, सो दैट कि जो हमारी इंडस्ट्रीज है उसकी डेवलपमेंट हो सके। इट लेट डाउन दैट वी साइड आर्म्स एंड म्यूनिशन, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट विच वुड बी द मोनोपोली ऑफ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मोनोपोली में क्या थी, जो हमारे रेलवे ट्रांसपोर्ट एनर्जी ऑटोमिक ये सब हमारे जो थे सेंट्रल गवर्नमेंट में थे। एंड द स्टेट वुड बी एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल, एंड स्टेट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, न्यू अंडरटेकिंग इन सिक्स बेसिक यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री। तो हमारी थी न्यू इंडस्ट्री जो थी हमारी 6 इंडस्ट्री, उनके लिए जो स्टेट रिस्पॉन्सिबल थी। ओके, तो रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री फील्ड वॉज लेफ्ट फॉर प्राइवेट। तो जो उसमें से बच गई वो किसके लिए थी, सिंपली प्राइवेट एंटरप्राइज, मीन्स प्राइवेट पर्सन के लिए जो भी स्टार्ट कर सकते हैं एंटरप्राइज। उसके बाद सेकेंड पॉलिसी हमारी है द इंडस्ट्री पॉलिसी 1956। न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी आ गया है इंडस्ट्री पॉलिसी 1956। पहले आपने 48 जो डिस्कस किया, अब की नेक्स्ट है जो 1956। ये 30 अप्रैल 1956 को बनी थी। ये इसका मेन एम क्या था कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जो उसको इम्प्रूव करना, एंड वर्किंग कंडीशन जो है ज़्यादातर पीपल की उसको अच्छा करना। ओके, इम्प्रूव करना, मोनोपोली जो है उसको रिड्यूस किया। मोनोपोली मीन्स जो पर्सन एक मीन्स मोनोपोली होती है जिसकी एक मार्केट में वो ही प्राइस जो अपना सेट करता है अपने अकॉर्डिंग, किसी को प्रोडक्ट बेचता है हायर प्राइस पर, किसी को कम प्राइस पर, तो उसकी मोनोपोली होती है सभी जगह पर। तो उसको रिड्यूस करना, टू रिड्यूस डिसक्वालिटी इन इनकम, जो डिसक्वालिटी होती है मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना इनकम एंड वेल्थ का, इसको इंक्रीज करना और डिसक्वालिटी को रिड्यूस करना। स्टेट टेक रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्री अंडरटेक
अंडरटेकिंग फॉर डेवलपिंग। तो इसमें स्टेट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, जो न्यू इंडस्ट्री अंडरटेकिंग हुई थी, और जो डेवलपिंग ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के लिए जो है स्टेट हमारी रिस्पॉन्सिबल थी। सेम टाइम प्राइवेट सेक्टर विल हैव अपॉर्चुनिटी टू डेवलप। तो उसी टाइम जो प्राइवेट सेक्टर को अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो अपना बिजनेस है जो वो डेवलप कर सके और उसको बढ़ा सके, एक्सपेंड कर सके, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन अप्लाई, जहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन अप्लाइड किए गए थे कि सभी मिलजुल कर जो है अपना काम करें, अडॉप्शन ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी एज नेशनल ऑब्जेक्टिव। तो सोशलिस्टिक पैटर्न मीन्स सोसाइटी के बेनिफिट के लिए जो भी होता था वो उसको अडॉप्ट किया गया। ओके तो उसको इसमें क्या गया, प्लान्ड डेवलपमेंट की गई एक तरह की। अब उसके बाद आती है थर्ड पॉलिसी हमारे जो थी 1973, ये 2 फरवरी 1973 को आई थी। इट प्रोवाइड क्लोजर इंटरेक्शन, इसने क्या क्लोजर इंटरेक्शन प्रोवाइड की किसको, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर को, दोनों को एक साथ जो है क्लोजर इंटरेक्शन प्रोवाइड की गई। द लिस्ट ऑफ इंडस्ट्री एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल सेक्टर वाज एक्सपेंड फ्रॉम, यहाँ में क्या कहते हैं, उसने क्या किया कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की था उसमें पहले सिर्फ हमारे पास कितनी आइटम हुआ करती थी 180, उसमें उसको एक्सपेंड कर दिया गया 500 आइटम और इंक्लूड कर टोटल 500 आइटम जो इसमें बना दी, सेट कर दी। नेक्स्ट फोर्थ पॉलिसी में क्या है, इंडस्ट्री पॉलिसी 1977, ये कब बनी थी, 23 दिसंबर 1977 को ये बनी थी। टू बूस्ट डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल जो हमारे बिजनेस होते हैं उसकी बूस्ट डेवलपमेंट की गई इसमें। अ स्कीम फॉर बिल्डिंग बफर स्टॉक ऑफ एसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वॉज इंट्रोड्यूस फॉर ऑपरेशन थ्रू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट। यहाँ पर SIDC को मीन्स एस्टेब्लिश किया गया किस पर्पज़ के लिए, हमारा जो बफर स्टॉक है और जो जिसमें सिंपली वेयर हाउसेस होते हैं हमारे रॉ मटेरियल, उसको अच्छे से बिल्डअप करने के लिए ये हमारा इसमें किया गया। ओके SIDC मीन्स स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया सो दैट कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो भी बफर स्टॉक है उसके लिए प्रॉपर उसको बिल्ड किया जाए। अब है हमारी फिफ्थ जो है इंडस्ट्री पॉलिसी 1980, ये थी जुलाई में आई थी 1980 को। इसमें क्या गया, जो कैपेसिटी है उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज़ किया गया, प्रॉपर यूज़ किया गया, मैक्सिमम प्रोडक्शन की गई, हायर प्रोडक्टिविटी थी इसमें, हायर एम्प्लॉयमेंट जनरेट की गई इसमें, करेक्शन ऑफ रीजनल इम्बैलेंस, जो भी मीन्स रूरल एरिया अर्बन एरिया में जो भी गैप था उसको करेक्ट किया गया, स्ट्रेंथिंग द एग्रीकल्चर बेस, एग्रीकल्चर को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड की गई इसमें, एंड जो हमारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, इट मीन्स कि जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हैं, अगर हमारा कंट्री का एक्सपोर्ट अच्छा होगा, ज़्यादा होगा, हमारी कंट्री के लिए बेनिफिशियल है, तो उसको प्रमोट किया गया। ओके अब हमारी लास्ट जो है वो है इंडस्ट्री पॉलिसी 1991, ये 24 जुलाई 1991 को आई थी। एंड इसका क्या मेन पर्पस था कि पॉवर्टी जो है, गरीबी जो है उसको एंड करना, कम करना, एंड करना, अनएम्प्लॉयमेंट उसको भी एंड करना, एंड बिल्ड मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक फॉरवर्ड लुकिंग इंडिया, जो है हमारा मॉडर्न इंडिया बनाना, डेमोक्रेटिक इंडिया बनाना, और सोशलिस्टिक मीन्स सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, फॉरवर्ड लुकिंग मीन्स आगे की आगे बढ़ता जाए वो इंडिया हमें बनाना है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर, इस इंडस्ट्री पॉलिसी में कहा गया था। डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट करना, न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर आना, कैपिटल मार्केट को डेवलप करना, कैपिटल मार्केट वो मार्केट होती है जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के साथ डील करती है, एंड इंक्रीजिंग कंपटीशन जो है उसको इंक्रीज करना, अगर कंपटीशन होगा तभी जो हमारा बिजनेस अच्छे से, हमारी इकोनमी जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाएगी। ओके तो बेनिफिट्स देना कॉमन मैन को। तो ये था हमारा इंडस्ट्री पॉलिसी 1999, आगे भी है स्प्रेड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन टू बैकवर्ड एरिया, जो बैकवर्ड एरिया है जहाँ पर बिल्कुल भी जो इंडस्ट्री नहीं है कोई भी, उनको डेवलपमेंट करने के लिए वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, इट मीन्स इंडस्ट्रियल ओपन करना, स्प्रेड करना उस एरिया को। और क्या क्या इसमें, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड इनहांस सपोर्ट टू स्मॉल, जहाँ पर गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की स्मॉल सेक्टर जो हमारे होते हैं उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड की, उसमें बढ़ोतरी की। नेक्स्ट है इसमें क्या क्या, 1991 में फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन विल बी वेलकम टू ऑब्टेन हायर टेक्नोलॉजी, कोलैबोरेशन की गई इन्वेस्टमेंट के साथ, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, हो दैट कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है हायर
टेक्नोलॉजी को ऑप्टेन किया जा सके, हायर टेक्नोलॉजी होगी तो हमारा काम भी बहुत अच्छे से होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। गवर्नमेंट विल एंडेवर टू अबॉलिश अ मोनोपोली, यहाँ पर भी गवर्नमेंट ने मोनोपोली जो है कैरी किसी भी सेक्टर की उसको अबॉलिश किया, उसको ख़त्म किया, रिड्यूस किया, लिबरलाइज किया, कौन क्यों लिबरलाइज द इंडस्ट्री फॉर्म द रेगुलेशन डिवाइस लाइसेंस एंड कंट्रोल्स में सिंपली 1991 में क्या था एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट की थी, एलपीजी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन वाली। ओके तो प्रोवाइडिंग मोर इंसेंटिव फॉर इंडस्ट्री, जो बैकवर्ड एरिया है जिसमें हम यहाँ पर इंडस्ट्री खोलेंगे उनको इंसेंटिव प्रोवाइड किया गया, इट मीन्स फाइनेंस प्रोवाइड किया, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की गई। ओके तो आगे क्या है, द पॉलिसी हैज़ ब्रॉट चेंजेस इन फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्री रेगुलेशन। तो इसमें क्या क्या चेंजेस इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आई, द पॉलिसी है ब्रॉड चेंजेस इन फॉलोइंग, जैसे इंडस्ट्रियल डी लाइसेंस, अब किसी को मेजर ऑफ 5-6 इंडस्ट्री है जिसको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है, विदाउट लाइसेंस कोई भी अपनी इंडस्ट्री ओपन कर सकता है। डी रेगुलेशन किया गया इंडस्ट्री सेक्टर को, मीन्स रेगुलेशन थोड़ी कम की गई। ओके पब्लिक सेक्टर पॉलिसी बनाएगी, डी रिजर्वेशन ऑफ रिफॉर्म की गई। ओके अबॉलिश ऑफ MRTP जो हमारा एक्ट है उसको अबॉलिश किया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पॉलिसी टेक्नोलॉजी पॉलिसी, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाएगी सो दैट कि हम फॉरेन में जाकर इन्वेस्टमेंट कर सके, वो हमारी जगह आके कर सके, फॉरेन टेक्नोलॉजी पॉलिसी बनाएगी। ओके तो ये था ऑल ओवर अबाउट हमारा जो पॉलिसीज है इंडस्ट्री पॉलिसी, जो बेसिकली हमारे इंडस्ट्रियल को हेल्प करती हैं और डेवलप होने में। ओके अगर इंडस्ट्री हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारी कंट्री का अच्छा होगा तो हमारी इकोनॉमी की ओवरऑल डेवलपमेंट ही होगी। ओके तो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग, डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो थैंक यू सो मच।